डियर स्टूडेंट्स, इन न्यू सिलेबस ऑफ बायोलॉजी टोटल 15 चैप्टर्स आर देयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. So dear student, we will see little bit introduction about this chapter. Students, we know that death is a certainty for any organism. But at the same time, we see that the species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. सो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हमारे अतराफ जानदारों में मौत का अमल होता है. उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जानदारों की जो अनवा है वो मुसलसल जारी वो सारी हैं. तो सवाल ये है कि ऐसा जानदारों में पाया जाने वाला कौन सा अमल है जिसकी वजह से जानदारों की नस्लों की बका है. और वी कैन से दैट स्पीशीज कंटिन्यू टू लीव जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन. तो हम कह सकते हैं कि इसका जवाब ये होगा कि वो अमल तौलीद का अमल है जिसकी वजह से जो है मौत के बावजूद भी जो है नस्ल बाकी रहती है. सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इट इज़ द वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. मतलब हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो हम क्या समझते हैं कि जो रिप्रोडक्शन यानी तौलीद के अमल की वजह से जो यंग वंस नौमौलूद पैदा होते हैं, वो यंग वंस वो ऑफस्प्रिंग ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. यानी नौमौलूद में नमू का अमल होता है, वो बालिग होते हैं और फिर अपने जैसे ही नौमौलूद पैदा करते हैं. तो इसकी वजह से इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से जो है बर्थ यानी पैदाइश, ग्रोथ यानी नमू और उसके बाद डेथ यानी मौत का एक पूरा मुसलसल जो है ये एक साइकिल चलता रहता है और जिसमें जो है रिप्रोडक्शन ये काफ़ी अहमियत का हामिल है अमल. इसकी वजह से जानदारों की अनवा बाकी रहती है. सो वी कैन से रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन. सो स्टूडेंट्स, how can we define term reproduction? So here it is written that reproduction is the production of young ones like parents. yani ke apne hi jaise namaulud paida karne ki salahiyat ka amal jo hai wo tawleed kehlata hai. it means that cat gives the birth to kitten and we can take the other example like dog gives birth to puppy. यानी हम कह सकते हैं, मतलब इसमें जो लिखा है कि अपने जैसे ही नौमौलूद पैदा करने का अमल जो है पेरेंट्स के ज़रिए वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो इसकी मिसाल, देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर.
तो यानी कि हम इसकी एग्जांपल हम लिए हैं कि जैसे कि जो है कैट जो है वो कैट से पैदाइश होगी जो किटन की, इस तरीके से डॉग से पपी की, तो इस उसी अमल को कहते हैं। यानी हर स्पीशीज जो होती है उसके जो जानदार होते हैं अपने जैसा ही जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। एंड दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन का जो अमल है उसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तौलीद के अमल की अहमियत। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है उसकी अहमियत। उसकी अहमियत ये है कि एज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, यानी नस्लों को जारी रखने का काम रिप्रोडक्शन के ज़रिए होता है। यानी जो पहले हमको नस्ल जो पास्ट में थी वो आज हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। तो ये किसकी वजह से है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से दैट इट इज़ टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट जो है मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी इस ज़मीन पर, ऑन दिस बायोलॉजिकल अर्थ, ऑन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड देयर शुड बी द लाइफ फॉर एवर। सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जानदार की बका के लिए जो अमल है वो है रिप्रोडक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी सी दैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। वेरी फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिंसी तौलीद, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिंसी तौलीद। यह के बाद दिग्रे हम उसको समझेंगे कि ये किस तरीके का तौलीद का अमल होता है और किन किन जानदारों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वी विल सी विल स्टडी दैट दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली वेयर एज सेक्सुअली। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी लिटल बिट अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों अभी हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिंसी तौलीद का अमल किसे कहते हैं, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन विच ऑर्गेनिज्म दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक ही पैरेंट होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज यूनी पैरेंटल, यानी एक ही पैरेंट से जो है किसी न किसी तरीके से, दैट वी विल सी अहेड दैट हाउ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो किसी न किसी तरीके से जो है एक ही पेरेंट से यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। वी कैन से दैट न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। और इसके अलावा अगर एक ही पेरेंट है, ये प्रोसेस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक ही जानदार की वजह से होता है, तो इसलिए देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो चांस एट ऑल ऑफ फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। यानी हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स एक ही पेरेंट है तो उसमें जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट
का कोई जो है नहीं सवाल उठता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं और ना ही दोनों गैमेट का मिलाप होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड पॉइंट, दैट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। यानी ऑलरेडी इट हैज़ बीन एक्सप्लेन दैट ओनली वन पेरेंट इज़ देयर। सो फ्रॉम वन पेरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टाइप दैट न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। वॉट एवर द इंडिविजुअल्स और द ऑफस्प्रिंग विच आर फॉर्म दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। वी कैन से दैट दैट इस ऑफस्प्रिंग विल बी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर। यानी कि जो एक ही पेरेंट है तो उस पेरेंट से बनने वाले जितने भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे नव मौलूद होंगे वो तमाम अपने वो जो पेरेंट है उसी की तरह दिखाई देंगे। मतलब हम कह सकते बाहर से तो दिखेंगे, एट द सेम टाइम दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू, यानी वो जीनियाती एतबार से भी सिमिलर होंगे। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ देयर, फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन ऑफ द पेरेंट। अब चूंकि एक ही पेरेंट है तो उसका जो जीन रहेगा, उसका जो डीएनए रहेगा, वो पूरा उसी के जैसा रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। यानी हम क्या देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म, वो जो पेरेंट है, अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनसे जो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो ऑफस्प्रिंग क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए बनेंगे, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। सो दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। वो बिल्कुल हूबहू होते हैं तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, क्लोन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आप लोग इसको जो है, ये क्लोन वर्ड जो है, यू रिकॉल इट, रिमाइंड इट, यू लर्न इट प्रॉपरली। तो अभी तक जो है हमने जो स्टडी की है यहाँ तक फिफ्थ स्लाइड तक, वो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन जो है उसको, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। सो डियर स्टूडेंट, यू लर्न दैट डेफिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो हमने देखा दैट इट इज़ इट का इट हैज़ टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि असेक्सुअल जो होता है वो किसको कहते हैं, और सेक्सुअल अभी बाकी है। असेक्सुअल की जो टाइप्स है इट इज़ ऑल्सो रिमेनिंग दैट वी सी वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी विल सी हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, वेरी मच।